आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करके घर पर बहुत ही अच्छे से अपने बालों में सलून स्टाइल हेयर स्पा कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल रेमेडीज। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सभी सलून और पार्लर वगैरह सब कुछ बंद है, और पिछले एक साल से मैं तो पार्लर नहीं गई हूँ, आई एम श्योर आप में से भी काफ़ी लोग नहीं गए होंगे। और जब भी हम सलून में जाकर अपने बालों पर हेयर स्पा कराते हैं तो वो काफ़ी केमिकल बेस्ड क्रीम्स का आपके बालों पर यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको उस वक्त तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है पर कुछ टाइम के बाद में आपके जो बाल हैं, आपको हेयर फॉल एक्सपीरियंस हो सकता है या फिर आपके बाल काफ़ी डैमेज भी हो जाते हैं। सलून में जो हेयर स्पा होता है वो ऑलमोस्ट 1000 to 2000 के बीच में होता है, बट हम बहुत ही आसानी से घर पर हेयर स्पा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, और जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, और बिल्कुल बहुत ही सस्ते में ये घर पर हो जाता है। मैंने वही हेयर स्पा घर पर किया है बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में, और आप देख सकते हैं रिजल्ट, इसका रिजल्ट सेम वैसा ही आता है। आपका एक एक बाल ऐसे अलग हो जाएगा, एक एक बाल तिनका तिनका, मतलब एक एक बाल आपका तिनकों की जैसे बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सिल्की आपके बाल हो जाएंगे। आपको बिल्कुल सेम वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि आपको सलून वाले हेयर स्पा में मिलता है। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इस हेयर स्पा को करने के लिए यहाँ पर हम 3 steps को फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है यहाँ पर हेयर ऑयलिंग। तो हेयर ऑयलिंग से पहले आपको आपके बालों को कॉम कर लेना है, जिससे कि आपके बालों में हेयर फॉल हुआ है वो आपके बालों को सुलझाते वक्त निकल आएगा, ताकि जब भी आप हेयर ऑयलिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा हेयर फॉल ना हो। हेयर ऑयलिंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, आप दोनों में से कोई भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों का मिक्सचर बनाया है और उसे अपने बालों में अप्लाई किया है। अगर आप अपने बालों में हेयर ऑयलिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऑयल लेना है, डैब डैब करना है और छोड़ देना है। बट अगर आप हेयर ऑयलिंग अपने बालों में करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप अपने बालों को हेल्दी तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके बालों में ऑयलिंग करनी है, और उसके बाद में आपको इसको रहने देना है 30 मिनट्स के लिए, ताकि जो भी ऑयल हमने लगाया है वो हमारी रूट्स में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। सेकेंड स्टेप हमारा आता है यहाँ पर हेयर स्टीमिंग। अब आपको यहाँ पर एक टॉवल लेना है, उसे अच्छे से इस गर्म पानी में आपको डिप करना है और उसे स्क्वीज करना है, और उसके बाद इस पूरे टॉवल को आपको बहुत ही अच्छे से अपने बालों में रैप कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टॉवल लिया है, जिससे कि मेरे बाल रूट से लेकर टिप तक अच्छे से इस पूरे टॉवल में अच्छे से कवर हो जाए, और जिससे मेरे एक एक बाल को बहुत ही अच्छे से स्टीम मिल सके। तो पूरे अच्छे से बालों को कवर कर लेना है, और बाद आपको इस टॉवल को आपके बालों में छोड़ना है 5 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को आप 1 या 2 बार या फिर 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आपको इसको ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको आपके बालों को सूखने देना है 15 टू 20 मिनट्स के लिए। बिल्कुल एयर ड्राई आपको आपके बालों को कर लेना है, किसी भी ब्लो ड्राई का आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम अपने बालों पर अप्लाई करेंगे हेयर मास्क। तो हेयर ये मेरा बहुत ही फेवरेट हेयर मास्क है, मैं इसे काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, और इसके बाद आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपको कंडीशनर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन कर लेंगे। तो आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे, एक बाल आपका ऐसा तिनके तिनके जैसे अलग हो जाएगा। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच, या फिर आप आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर दही लेंगे। गाढ़ा दही का यूज़ आपको करना है, पतला दही नहीं लेना है। उसके अंदर फिर मैं अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी, वो है यहाँ पर एलोवेरा जेल। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज हैं तो एलोवेरा इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट कि आप अपने बालों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर 2 चम्मच एलोवेरा जेल का यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं अपना 3rd इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूंगी, वो है यहाँ पर 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल आपको बहुत ही इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आप अपने बालों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, लंबा बनाना चाहते हैं, तो विटामिन ई का कैप्सूल आप अपने पास ज़रूर रखें, इसे अपने बालों में ज़रूर यूज़ करें, आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ मैंने 1 विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड कर दिया। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छे से फेंट लूँगी, जिससे कि हमें इसके बहुत ही अच्छी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी मिल जाए। अब हमारा हेयर मास्क रेडी है। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे हेयर मास्क को आपको आपके बालों की लेंथ पे अप्लाई करना है। Thank you.
अप्लाई होने के बाद में आप इस पे शावर कैप लगा सकते हैं या कोई पॉलीथीन भी आप अपने बालों पर लगा सकते हैं, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो आपके बालों में बहुत ही अच्छे से जाता रहे। उसके बाद हम अपने बालों में इसे छोड़ेंगे फॉर 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को हेयर वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंडीशनर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये जो हेयर मास्क हम अपने बालों में अप्लाई कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बात का रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग था। तो अब बात करते हैं कि इस हेयर स्पा को आपको कितनी दिनों में करना है, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हेयर स्पा है, तो आप इसको कर सकते हैं 15 डेज में एक बार या फिर 30 डेज में एक बार। आई रियली होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ में नेचुरल DIY स्किन एंड हेयर केयर से रिलेटेड, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।